हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस आसान से नुस्खे से खुल जाएगी शरीर की हर ब्लॉक नस। आइए जानते हैं इसके इस्तेमाल करने का तरीका। वातावरण में अधिक प्रदूषण और खान पान में आए बदलाव के कारण अक्सर लोग बीमार पड़ने लगते हैं। इन्हीं में से एक समस्या है शरीर की नसें ब्लॉक हो जाना। जब व्यक्ति के शरीर की नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो उसे उस स्थान संबंधित काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उस स्थान पर जलन होने लगती है और बहुत सारी समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं। अगर नसों की ब्लॉक होने की समस्या दिल से जुड़ी हुई है तो ये आपको हार्ट अटैक की संभावना भी दे सकती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई लोग महंगे ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि इस समस्या से हमें छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे में हम आपके लिए एक ऐसा आसान सा घरेलू नुस्खा लाए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर पर ही इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप किचन में मौजूद सामग्री से शरीर की किसी भी नस को खोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या सामग्री चाहिए। पहली है दालचीनी। दालचीनी करीब 1 ग्राम ले लें और 10 ग्राम काली मिर्च ले लें, काली साबुत मिर्च, और 10 ग्राम तेज पत्ता, 10 ग्राम मगज, 10 ग्राम मिश्री और अखरोट 10 ग्राम टूटा हुआ और 10 ग्राम अलसी। अब इसको आपको कैसे बनाना है दोस्तों, इन सभी चीज़ों को किसी भी भारतीय किचन में आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी। इन्हीं सभी चीज़ों को मिलाकर आप वह जादुई औषधि बना सकते हैं जो शरीर के ब्लॉक नसों को खोल देती है। नुस्खा बनाने के लिए आप सबसे पहले इन सभी चीज़ों को एक मिक्सर जार में डालकर अच्छे से बारीक पीस लें। अब पिसे हुए मिक्सर को 10 बराबर भागों में बांट लें और उसे किसी कागज में या पन्नी में रख लें। अब यह मिश्रण उपयोग के लिए तैयार है, ऐसे इसका इस्तेमाल करें। यह मिश्रण 10 दिन का है। इस मिश्रण को आप रोजाना सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इस मिश्रण को पानी के साथ लेना है। रोज सुबह एक पुड़िया को पानी के साथ खाली पेट लें और इसी तरह से इसका सेवन 10 दिनों तक करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि दवा खाने के आधे घंटे बाद तक किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है। इस दौरान चाय पीना सख्त मना है। दवा खाने से 2-3 घंटे बाद ही आप चाय या नाश्ता करें। इस दवा को 10 दिन तक लगातार खाएं। इससे आपको खुद फर्क महसूस होगा और इससे आपको हृदय रोग से भी छुटकारा मिल जाएगा। शरीर की नसें जब ब्लॉक हो जाती हैं तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा लकवा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति आने पर यदि आपने देरी की तो व्यक्ति की कई बार जान तक चली जाती है। लेकिन अगर आप इस हमारे बताए हुए छोटे से पाउडर यानी चूर्ण को रोज पानी में मिलाकर खाते हैं और 10 दिन बस इस्तेमाल करते हैं तो इससे शरीर की ब्लॉकेज नसें ठीक हो जाती हैं और लकवा मारने का खतरा भी कम रह जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।